हरी ओम। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में, और मैं हूँ HP मांचल डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से। तो चलो शुरुआत करते नए दिन के और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीब 9 बजे जाके, एंड मैं हो चुकी हूँ तैयार अपनी ड्यूटी जाने के लिए। आपको पता है मेरी एक ड्यूटी रहती है सुबह सुबह ही, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जानवरों को जंगल ले जाना और उनका पेट भरना, फिर घर वापसी आना, फिर घर का काम करना। तो सबसे पहले चलते उनको छोड़ते, फिर निकलते जंगल की और फिर घर वापसी आके करना बहुत सारा काम भी। सबसे पहले छोड़ते उनको, चलो। आज ना जानवरों ने भगा भगा के मेरे पूरे हाल कर दिया, और मेरा अब गला सूखा जा रहा है प्यास के कारण। तो चलो अब चल के ढूंढते सबसे पहले पानी, एंड ऐसी बात नहीं साथ में नाला भी बह रहा है। अब आप सोचते होंगे कि साथ में इसका नाला बह रहा होता है तब भी पानी ढूंढ रही होती, पागल है क्या? तो बात ऐसी, हम लोग जो गांव के लोग खासकर ये जो नाले का पानी होता है इसका यूज़ पीने के लिए कभी भी नहीं करते। इसका यूज़ सिर्फ हम कपड़े धोने के लिए करते हैं, क्योंकि इस नाले में जो बहुत ही गंद होता है, जैसे पीछे जानवर मरे होते हैं उनकी हड्डियाँ मांस, मतलब बाकी गंद, बहुत सारा गंद, मतलब काफ़ी सारे नाले इकट्ठे हो जाते हैं इस बड़े वाले नाले में, तब करके हम इसका यूज़ कभी भी पीने के लिए नहीं करते। और जैसे साइड में जैसे पानी निकलता है, हम बोलते हैं जिसको जायरू पानी, उसको ही हम पीते। तो सबसे पहले चलते अरबी का पत्ता लाते, उसमें लाऊंगी मैं पानी पीने के लिए, तो उसमें सही होगा, अच्छे से आराम से बैठ के पीऊँगी मैं फिर। तो यहाँ पर अरबी का खेत, और यहाँ से ले जाऊँगी मैं चुन के एक बड़ा जैसा पत्ता, बस इसमें हो जाएगा मेरा काफ़ी इतना बड़ा। चलो अब पानी की तलाश में। तो ये रहा पीने के लिए यहाँ पे बिल्कुल साफ पानी, तो यहाँ पे जाके भरती मैं अब पानी। सबसे पहले करेंगे हम इस वाले पत्ते को, अरबी का पत्ता, इसको करेंगे मैं ऐसे फोल्ड, इधर से डालेंगे हम पानी। घर पहुँचते ही सबसे पहले खाएंगे हम खाना, भूख लगी। और यहाँ पे है झोल जो बनाया है चावल का, सबसे पहले चावल पकाए, फिर उसमें लस्सी डाली है, और साथ में फ्रेंच बीन और आलू और रोटी। तो अब करेंगे हम ये काम, और इसको करना है हमने इनसे बिल्कुल लग, ऐसे बिल्कुल साफ़। ये मैंने आपको दिखाया कि हमने कितनी मेहनत से इसको पानी से निकाला, फिर साफ़ करा, एक ब्लॉग डाला है मैंने, जिसने नहीं देखा वो देख ले। तो चलो अब निकालते इसको, पहले साफ़ करते। और ये भी बताया था मैंने, ये जो चीज़ होती है ये आती है रस्सी बनाने के काम, और ये जो सूखी लकड़ी बची इससे जलाते हैं हम चूल्हे में आग। तो चलो दिखाती मैं आपको कि किस तरह से हम इसको इससे लग करेंगे, तो देख लो आप भी।
ये देखो इनमें से निकाल लिया हमने, कुछ एक बच गया, इसका कुछ नहीं है। इस तरह से साफ होगी ना ये बिल्कुल सूखी होती है, इससे आग जलाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, तब जल्दी से जल जाती है। फिर ये निकाला हमने, इसकी बनती है रस्सी। यहाँ पे देखो मुर्गी के बच्चे कुछ दिन पहले ही अंडे से बाहर निकले, दो कलर की, एक ये वाला एक ब्लैक वाला। ये थोड़ा थोड़ा येलो भी है, थोड़ा वाइट में, कोई येलो ही दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर वो वाइट हो जाएंगे बाद में। और मुर्गी को मैंने चुपके से धोखे से बंद कर लिया, वो खाने को आती है, तब मैंने इनको पकड़ा। चलो 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 मम्मा के पास जाना है, उतरो उतर उतर। तो चलो भाई अब चलते हैं, अब मक्की के खेत में सीधे काम करने। निडाई तो हमने कर दी है और हम जा रहे हैं अब मक्की पटके कर देंगे साइड, सारी ही नहीं बस बीच बीच में से करेंगे, क्योंकि हमारी मक्की बहुत ही ज़्यादा घनी होगी है, बीज जो है ज़्यादा फेंक दिया है तो निकालेंगे इसीलिए, नहीं तो जो मक्की का डाल होता है वो ग्रो नहीं कर पाता, वो छोटा की छोटा ही रह जाता है, तो करके हमें आधा निकालनी पड़ेगी। साथ में मम्मी है, जीनू है, पापा जो है घर में है, मेरा भाव जो मंडी चले गए, और दादी जो है कुल्लू मनाली गए बुआ के घर, और दादी के ना आजकल मज़े लगे, वो करीब एक मंथ या दो मंथ बाद घर आएंगे घूम फिर के। तो हम कर रहे काम, तो हम काम करते ही ठीक है ना, तो चलो खेत में काम करते हैं फटाफट और फिर निकलेंगे हम घर की ओर, क्योंकि फिर शाम का खाना भी बनाना होता है। तो ये रे आ गया मम्मी, पर फर्स्ट में जीनू है, जीनू। और आज का मौसम ऐसा रखा है, तो ये रहा नीचे मेरा मक्की का खेत, और यहाँ पे भी एक इससे ऊपर है, और यहाँ पे आके मेरे को पता चला ये जो घास है बीच में ये भी निकालना है, सारा पूरा खेत साफ करना है अब। पहुंच गए हम घर भी मम्मी के साथ, और मेरी बैटरी तो हो गई थी उधर ख़त्म ही, मैंने फ़ोन इतना छेड़ लिया वहाँ पे, एक तो मेरे पास बैटरी थी नहीं पहले से, और फिर मैंने सॉन्ग लगा के रखे। एंड अब आपको पता है मेरे को काम है, शाम का खाना बनाना है, फिर ब्लॉग को रखते इतना ही। आपने करना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपको ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।